हेलो दोस्तों, आप सभी का यम्मी मेकर में स्वागत है। आज की रेसिपी है क्रिस्पी ऑनियन रिंग्स। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे भी कहीं ज्यादा ये टेस्टी है। बनाना उससे भी आसान। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी ऑनियन रिंग्स। ऑनियन रिंग्स बनाने के लिए मैंने 5 प्याज लिया है। प्याज आप अलग अलग साइज में भी ले सकते हैं। इन सभी प्याज को अब छील लेते हैं हम। मैंने छोटे और बड़े दोनों तरह के प्याज को लिया है ताकि जब मैं रिंग्स बनाऊं तो वो अलग अलग शेप के बने। प्याज के ऊपर वाले हिस्से को काट के निकाल देंगे। बाकी बचे हुए प्याज को भी इसी तरीके से छील लेंगे। सारी प्याज छिल गई हैं, इन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब एक प्याज लेंगे और चाकू से इसकी हम इस तरीके से स्लाइस काटेंगे। हमें न ज्यादा मोटा स्लाइस काटना है और न ज्यादा पतला, हमें मीडियम शेप में स्लाइस काटना है प्याज का। बाकी बचे हुए प्याज को भी मीडियम स्लाइस में काट लेते हैं। सारी प्याजें कट गई हैं। इतनी ही मोटी हमें प्याज काटनी है ऑनियन रिंग्स बनाने के लिए। न ज्यादा मोटी और न ज्यादा पतली, ये परफेक्ट है ऑनियन रिंग्स बनाने के लिए। अब एक प्याज का टुकड़ा ले लेंगे, बीच वाले पार्ट को इस तरीके से दबा के निकालेंगे और एक एक करके प्याज के छल्लों को इस तरीके से निकाल लेना है। बाकी बचे प्याज को भी इसी तरीके से करके हम एक एक करके छल्लों को निकालेंगे और जो बीच वाला पार्ट है उसे का आप इस्तेमाल सब्जी में कर सकते हैं। इसी तरह एक एक करके सारे प्याज के छल्ले को अलग कर देंगे। सारे प्याज के छल्ले अलग हो चुके हैं। एक बाउल में छोटा 1 कप मैदा लेंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 4 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ ऑरिगेनो। इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच मिक्स हर्ब। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे पानी। अब इसे अच्छे से हमें फेंटते हुए इसका घोल बना लेना है। पानी एक साथ ज्यादा मत डालिएगा, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल बना लेना है। बस इसे अच्छे से फेंटिएगा कि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे। थोड़ा सा पानी और डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप पुदीना पत्ती और धनिया पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस रेसिपी में अपने पसंद के मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जितना थिक घोल चाहिए था बिल्कुल वैसा बनके तैयार हो चुका है। इसे एक बार अच्छे से हम मिला लेते हैं। घोल बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। हमें इसी तरीके का घोल चाहिए, न ज्यादा पतला और न ज्यादा गाढ़ा। एक बाउल में ले लेंगे 1.5 कप के करीब ब्रेड क्रम्स। अब लेंगे प्याज का 1 छल्ला और उसको इस घोल के अंदर हम डाल देंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको डिप करेंगे ताकि जो घोल है वो प्याज के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाए। अब प्याज के छल्ले को ब्रेड क्रम्स में डाल देते हैं और अच्छे तरीके से इसको कोट कर देते हैं। ब्रेड क्रम्स प्याज के ऊपर अच्छे तरीके से लग गया है। अब एक एक करके बाकी प्याज के छल्लों को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। प्याज के छल्लों पे अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं। चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में तेल अच्छे से गरम कर लिया है। अब एक एक करके प्याज के छल्ले को इसमें डालते जाएंगे।
प्याज के छल्ले एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें एक एक करके पलट लेते हैं। क्रिस्पी ऑनियन रिंग्स बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। कितना अच्छा इसका कलर आ गया है और देखने में ये बिल्कुल क्रिस्पी लग रहा है। अब इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी कुरकुरी और मसालेदार ऑनियन रिंग्स बनके तैयार हो चुकी है। शाम की चाय के लिए परफेक्ट स्नैक्स। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला। आप इसे टमाटो सॉस या फिर धनिया की चटनी या फिर व्हाइट सॉस किसी के साथ भी खाइए, सबके साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।